चॉकलेट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, ये बड़ों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। डार्क चॉकलेट एंटी एजिंग होती है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जैसे कि आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, बहुत ही सारी बेनिफिट से भरपूर कमाल की चीज़ होती है डार्क चॉकलेट। तो चलिए बनाना स्टार्ट करता है। इसके लिए ले लिया है मैंने कैश्यूनट हाफ कप, हाफ कप आलमंड, ले लेंगे किशमिस, पम्पकिन सीड हाफ कप और ले लिया है सनफ्लावर सीड हाफ कप और हम ले लेंगे सिसमी सीड। सारे ड्राई फ्रूट को हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे बादाम और कैश्यूनट को। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखें। आलमंड और कैश्यूनट हो चुकी है हल्की रोस्ट। इस वक्त पे हम ऐड कर लेंगे पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड। 2 से 3 मिनट तक भून के इसको ठंडा कर लेंगे। जो भी ड्राई फ्रूट जो थोड़े बड़े साइज़ के हैं जैसे कि आलमंड एंड कैश्यूनट, इसको हम बारीकी कट कर लेंगे। मिक्सी में इसको नहीं पीसेंगे, अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा पाउडर हो जाएगा और खाने में इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है और जिसको आप खाना चाहते हैं, आप वो ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट को बहुत छोटा भी ना करें, हमें सिर्फ आलमंड और कैश्यूनट को ही कट करना है। इसके बाद हम लेंगे रोस्टेड पीनट, ये भी हाफ कप है। पीनट को हम छील के इसको भी बारीकी कट कर लेंगे। जितने भी ड्राई फ्रूट जो थोड़े बड़े थे उसको हमने कट कर लिया है, जो छोटे थे उसको हम ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड। तिल को भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। तिल लिया है मैंने 4 to 5 टेबल स्पून। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हम अलग से रख लेंगे, गार्निशिंग में हमें काम आएगी। अब हम ले लेंगे अपना डार्क चॉकलेट, इसको हम बारीकी कट कर लेंगे। डार्क चॉकलेट मैंने लिया है 200 ग्राम का। अब डार्क चॉकलेट को हम एक ग्लास बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। डार्क चॉकलेट को 30 सेकेंड के लिए माइक्रो ओवन में रख लेंगे। 30 सेकेंड में ही ये बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, ये मेल्ट हो गया है। आप डबल बॉयलर में भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। अब हम ऐड कर लेंगे अपना ड्राई फ्रूट। थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करेंगे हम, एक ही बार में ना ऐड करें। ड्राई फ्रूट को हम मिला लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ये अच्छी तरीके से कोटिंग होनी चाहिए। ड्राई फ्रूट में चॉकलेट की बहुत ही अच्छी तरीके से कोटिंग हो जानी चाहिए। पहली वाली ड्राई फ्रूट जब अच्छे से चॉकलेट से कोट हो जाए उसके बाद ही दोबारा से ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तो अब हम ले लेंगे एक बटर पेपर। बटर पेपर को हम रख लेंगे अच्छे से, उसके बाद हम उसके ऊपर डालेंगे अपना ड्राई फ्रूट चॉकलेट। चॉकलेट और ड्राई फ्रूट को हम इक्वली स्प्रेड करेंगे। इसको हमें थोड़ा फास्ट फास्ट ही करना है, कुछ इस तरह से स्पैचुला की सहायता से इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, नहीं तो कट करने पर ये टूट जाएगा। अब ये हो चुकी है बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्रेड। अब एक चाकू की सहायता से साइड से भी हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। एकदम मार्केट में मिलने वाली चॉकलेट की तरह इसको हम सेट करेंगे। अब ऊपर से हम ऐड कर लेंगे सिसमी सीड। तिल को हमें करना है बहुत ही अच्छे तरीके से इक्वली स्प्रेड। उसके बाद हम ऐड करेंगे जो ड्राई फ्रूट हमने अलग से गार्निशिंग के लिए रख लिया था, इसको अब हम ऊपर से गार्निश कर लेंगे। इसको थोड़ा हम हाथ से भी प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। साइड से भी इसी तरह इसको थोड़ा अच्छे से प्रेस कर लेंगे और ऊपर से हम ढक लेंगे बटर पेपर। अब इसको हम रख लेंगे 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में, और अगर आपके पास में टाइम है तो आप इसको बाहर भी 1 आवर के लिए रखेंगे तो ये रेडी हो जाएगा। मुझे बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी इसीलिए मैंने इसको बाहर में ही रखा था, तो ये 1 आवर में बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तो लीजिए इसको मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। हमारा ड्राई फ्रूट डार्क चॉकलेट बन के एकदम रेडी है, बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो गया है आगे पीछे सब तरफ से।
ड्राई फ्रूट हमारी डार्क चॉकलेट के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है, तो चलिए अब इसको कट कर लेते हैं। आप जो भी शेप देना चाहते हैं अपने मन पसंद की, आप उसको दे सकते हैं। आप इसको चाहें तो बटर पेपर में फोल्ड करके भी रख सकते हैं एक एक पीस को सेपरेटली। लीजिए मैं आपको एक पीस निकाल के भी दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राई फ्रूट से लोडेड हमारा डार्क चॉकलेट बनके रेडी है। तो चलिए, जब भी आपको हल्की भूख लगी है या आपको स्वीट की क्रेविंग हो रही है, तो तब आप इस हेल्दी स्नैक्स को आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।